एनसीईआरटी के बायोलॉजी सबको पढ़ना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका डेली ईटिंग ऑफ फूड का रूटीन होता है ना, रूटीन, जैसे आप एयर को इनहेल करते हो, ऑक्सीजन को लेते हो, CO2 को बाहर करते हो, जैसे ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, ये आपका डेली का, इसके बगैर आप जी नहीं सकते हो। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजी, खास तौर से बायोलॉजी, आपको पूरा लाइन बाय लाइन अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको एनसीईआरटी के हर एक लाइन अच्छे से आ गई तो आपका नीट के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। करोगे ऐसा, इससे पहले कर रहे थे, यस सर, इससे पहले आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया है या नहीं किया है? यस एनसीईआरटी ऐसे पढ़ जाना है जैसे लगे कि हाँ आपने पूरा एनसीईआरटी के लाइन को पूरा घोल के खा गया, पी गया है, ठीक है ना। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन आपको बायोलॉजी में कितने नंबर आएंगे, 11th में भी 12th में भी करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, वो भी आपके एनसीईआरटी के लेवल से ही होता है, बस थोड़ा सा कुछ उसका एडवांस पार्ट पूछते हैं, तो वो आपको सर या मैम जो भी पढ़ाएंगे उनसे आपको कुछ वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे। बायोलॉजी में कितने नंबर आते हैं आपके पास, बोलो, नीट में कितने नंबर के बायोलॉजी आते हैं? आप लोग बोलने से पहले ही माइक ऑफ कर लेते हो। सर 360। हाँ, तो जिस दिन आप लोग ऐसा कर लोगे उस दिन आप लोगों के पास 350+ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अच्छे से करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बच्चों को डाउट क्या होती है कि जो हम लोग ये पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, वो लोग ऑप्शन में बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है, और कंफ्यूजन के दौरान क्या करते हैं, बहुत सारे नेगेटिव करते हैं। एक तो आपको नेगेटिव नहीं करनी है, प्लस सही करना है, सही क्वेश्चन, वो भी पॉजिटिव विदाउट नेगेटिव, तो आप इजीली 350+ लेके आ जाओगे। यहाँ तक ये भी पॉसिबल है कि आप 360 भी ला सकते हो। आप जैसे स्टूडेंट जो लाते हैं वो भी 10th करके आते हैं, आते कि नहीं आते। सो हम लोग बात करते हैं इसमें, अच्छा हम लोग बायोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे, लिखना भी कुछ नहीं, जब लिखने के लिए होगा मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। हम लोग बायोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे, एनीवन? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एनीवन? सबको बोलना है, एवरीवन, आप लोगों को बोलना पसंद नहीं है क्या? बायोलॉजी में बोलना अच्छे से, बोलोगे तो सब कुछ आ जाएगा, नहीं बोलोगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। जब आप बोलते हो ना ये सारी चीज, इम्पल्स का जनरेशन होता है ब्रेन में। आई थिंक आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा न्यूरॉन्स के बारे में, कैसे इम्पल्स ट्रेवल करता है, तो यही इम्पल्स, यही मैसेज, यही एक्शन पोटेंशियल आपके ब्रेन में डेवलप होता है, आपके न्यूरॉन्स में डेवलप होता है, और ये आपके मेमोरी के तौर पे बन जाती है, याददाश्त हो जाती है। पहले ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है, जैसे आप इसको बार बार बोलोगे ना, इट विल कन्वर्टेड इंटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, और आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा। कभी कभी क्या होता है, अगर आपको मैं आपका, आई थिंक ऐसा भी आपके पास भी होता होगा, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, खास तौर से हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमंस आर द सुपीरियर ऑर्गेनिज्म। जब कभी कभी होता है कि आप लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं, एग्जाम में लिख रहे होते हो, आप अपने दिमाग को जोर डालते हो कि अच्छा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सर ने क्या पढ़ाया था, मैम ने क्या पढ़ाया था, ऐसा कुछ सोचते होते हैं ना, फिर अचानक आपके दिमाग में आता है, अच्छा हाँ सर ने ये बताया था, मैम ने ये बताई थी, ऐसा होता है क्या? हाँ बेसिकली ये होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी हैज बिन कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, और आपको वो चीज रिकॉल यस होती है, ये चीज आपको रिकॉल होती है, और आप उसको एग्जाम में अच्छे से लिख के आते हो, और आपके फुल में फुल मार्क्स आते हैं। कभी कभी आप लोगों को 5 स्टार भी मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अब तक आप लोगों ने बहुत 5 स्टार लिया, अब 5 स्टार की जरूरत नहीं है, अब आपको 360 या 720 की जरूरत है, ठीक है ना। बहुत सारे आप लोगों ने 5 स्टार ले लिया, अब 5 स्टार आपको असल स्टार दिखाना है, ठीक है ना। सो अगर हम लोग बायोलॉजी को डिफाइन करें, तो बायोलॉजी की बेसिकली क्या है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कंपोनेंट, वो साइंस की पार्ट जहां पर हम लोग लिविंग के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। बायो मीन्स लाइफ, एंड लोगोस मीन्स स्टडी ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी कॉल एज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में अपने पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोब्स के लिए अलग बायोलॉजी है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम लोग माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम लोग बायोलॉजी को डिफाइन करें तो बायोलॉजी बेसिकली क्या है, इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स विच आर एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स एंड परफॉर्मिंग सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज, परफॉर्मिंग सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, हर ऑर्गेनिज्म को इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करने के लिए दे नीड टू हैव परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस लाइक दे विल ईट, उसको एनर्जी चाहिए, दे नीड एनर्जी, सो टू गेट एनर्जी दे नीड टू गेट ईट फूड, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन दे टेक फूड, ठीक है ना। तो आप लोगों ने फूड के इंटेक में मीन्स वी कैन से न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के आपके पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे इंजेशन होता है, फिर मतलब कि एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है और किस एनवायरमेंट पे रहता है, ऑर्गेनिज्म कैसा है और किस एनवायरमेंट पे रहता है उसका फूड का हैबिटेट उसके एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जो कोई एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उसका फूड का हैबिटेट अलग होगा, मोड ऑफ फूड का इनटेक अलग होगा। तो न्यूट्रिशन में आपके पास क्या क्या होती है, इंजेशन होती है, आगे बोलते जाओ ताकि मैं आपके पीछे चलूं, इंजेशन होती है। और अगर हम लोग बात करें न्यूट्रिशन, हम लोग अगर एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में न्यूट्रिशन के कितने कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एनीवन? पहला तो मैंने आपको बता दिया इंजेशन, एनीवन? नेक्स्ट बोलो, डाइजेशन, हाँ वो भी सीक्वेंस में बोलना है। नेक्स्ट, अब्सॉर्प्शन, इंजेशन, डाइजेशन, इसके बाद एब्जॉर्प्शन, सर एसिमिलेशन। आप लोग डाउट, इसमें भी डाउट में हो ऐसा मैं आप लोग से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्या होता है, एनीवन? इजेशन, इजेशन मींस उनका इजेक्ट आउट, यस और नो? ये सर आपके पास टाइप्स है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ये हम लोग फर्दर पार्ट्स चलते हैं। कहीं पे कुछ एक, कुछ कुछ स्टेप में क्या होती है, एंजाइम्स का रिलीज होती है जो इनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। इतना क्लियर है क्या? यस, ये आपको लिखना नहीं था, बस सिर्फ समझना था, ठीक है ना। सो मैंने क्या बताया कि बायोलॉजी क्या है, इट इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड द लिविंग प्रोसेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। सिंपल वर्ड में यह बोला जाए कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाट एवर इज एग्जिस्टिंग इन दिस यूनिवर्स, नॉट ओनली इन मुंबई, इन द होल यूनिवर्स। हम लोग सारे लिविंग के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं, मीन्स हम लोग लाइफ के बारे में बात करें, ठीक है ना। बायोलॉजी का हम लोग अगर किसी और कंसेप्ट में देखें तो बायोलॉजी ऑल्सो नॉन एज स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी एक कहानी है इस अर्थ पे। इतना क्लियर है, और एनसीईआरटी की आपको हर एक लाइन अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, बोलो ना। पहले जो इनिशियली जो एंशियंट पीपल एग्जिस्ट करते थे वो सिर्फ इस बिना पर एक डिफरेंस रखता था कि कौन एनिमेट है कौन इनएनिमेट है, मतलब जिसको विजुअलाइज कर सकते थे, जितना उनके पास नॉलेज होती थी उसी के अकॉर्डिंग वो बायोलॉजी को देखते थे, पढ़ते थे, समझते थे। क्लियर है। लेकिन अब क्या है कि जैसे साइंस डेवलप करती जा रही है, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अपने पास नॉलेज का भी डेवलपमेंट हो रहा है, लेवल ऑफ थिंकिंग भी बढ़ रही है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग अरेंज करेंगे। क्लियर है क्या? बोलो। सो दिस इज द बायोलॉजी, और बायोलॉजी का हम लोग ये भी बोलते हैं कि इट इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। क्या मतलब? इट मीन टू से दैट कि हर एक ऑर्गेनिज्म किसी प्रिमिटिव, किसी एंशियंट ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होते हुए आया है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कहीं पीछे अपने पुराने और एंशियंट से आए हुए हैं, प्रीवियस जनरेशन से आए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती है। एज फार एज कंसर्न फॉर द हायर ऑर्गेनिज्म विच आर एग्जिबिटिंग, देखो अपने पास अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए, हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, इसमें अपने पास अलग अलग चैप्टर्स है, कुछ हम 12th में आप लोगों को मिलेगा,
लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में, फिर आप लोगों को इसका प्लांट्स में मिलेगा, फिर इसका ह्यूमंस में मिलेगा। थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडियाज आपको कहाँ मिलेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में, जो कि आप लोग पढ़ोगे प्लांट किंगडम, वहां पे कुछ आपको थोड़ा सा फंजाई वगैरह, अल्गी वगैरह का रिप्रोडक्शन और जिम्नोस्पर्म का आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, टेरिडोफाइट्स और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तो है ही, उनको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो उन सब का बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पहला क्या होता है आपके पास, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस और नो। दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें वेरिएशन होती है ना पहले वाले में, बहुत कम होती है, इसमें वेरिएशन बहुत कम होती है। एनीवन? यस, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होती है, आपने ये बोला, बहुत कम होती है लेकिन होती है। यस यस सर, कहाँ होती है वेरिएशन होने के लिए क्या चाहिए आपको, चाहिए कि दो डिफरेंट गैमेट का होना जरूरी है। क्या इसमें दो डिफरेंट गैमेट होते हैं? जब तक मेल गैमेट नहीं आएगा, फीमेल गैमेट नहीं मिलेगा, तो वेरिएशन नया चीज कैसे बनेगी, कोई न्यू चीज कैसे बनेगी, बताओ मुझे आप, नहीं बनेगी ना। तो अब तक जो बोलना था आपने बोल दिया, गलती से बोल दिया या मुंह से जुबान स्लिप कर गया, आइंदा नहीं बोलना है कि इसमें वेरिएशन होती है, क्योंकि वेरिएशन होने के लिए आपको दो डिफरेंट गैमेट का होना जरूरी है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। गैमेट्स कैसे बनेंगे आप लोग आगे पढ़ोगे सेल डिवीजन में, मियोसिस में, ठीक है ना। तो जो वेरिएशन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, क्लियर है क्या आपके बाद, क्या बोलोगे? From now onward, what will you say? Variation, sexual reproduction. हाँ, sexual reproduction means variation, and variation का मतलब क्या है? Sexual reproduction. मतलब sexual reproduction होगा तभी variation हो पाएगा, क्योंकि इसमें दो अलग अलग parents से gametes आते हैं, और दो अपना अपना कुछ haploid content लेके आते हैं, दोनों फिर fertilization के दौरान एक नया cell की development होती है, नया cell का formation होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं, क्लियर है क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ, सो क्या बोल बेटा, एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो सर। ऐसा हो सकता है कि ओवर द इयर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लाइमेट एनवायरनमेंट की वजह से ही ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए, वो तो इसमें आएगी ना आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नहीं, अगर म्यूटेशन हुआ तो। हाँ, म्यूटेशन हुआ या फिर कुछ हुआ एसेक्सुअल। देखो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, असेक्सुअल कंडीशन पे, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जहां पर हम लोग सिंगल गैमेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। हम लोग ओनली सिर्फ और सिर्फ सिंगल गैमेट्स के बारे में बात करते हैं, म्यूटेशन एक अलग चीज है, आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे 12th में। म्यूटेशन में क्या होती है, उनके जीन के सीक्वेंस में चेंज होती है, और ये जब होती है ये जनरली हायर ऑर्गेनिज्म पे होती है, ठीक है, दे आर जनरली ऑकरिंग इन हायर ऑर्गेनिज्म। और हम लोग कभी कभी बेनिफिट्स के लिए म्यूटेशन जानबूझ के करवाते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कुछ फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है, किसकी होती है, फ्रूट्स की फॉर्मेशन, जैसे अपना नाम सुना होगा पार्थेनोकार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होती है, फ्रूट का फॉर्मेशन होती है। कभी कभी क्या होता है, बिना गैमेट्स के, सिर्फ सिंगल फीमेल गैमेट से एक नया प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो ऑल दीज आर द टाइप ऑफ असेक्सुअल पार्ट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग उसी को बोलेंगे जहां पर दो डिफरेंट गैमेट फ्रॉम टू डिफरेंट अपोजिट सेक्स, मेल एंड फीमेल से आएगा तो ही होगा सेक्सुअल, अदरवाइज अगर सिंगल पेरेंट से है या एक ही गैमेट है तो क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्लियर है क्या जो आप कह रहे हो, वो ठीक है, वो अलग चीज है। वो क्या करता है, म्यूटेशन जीन के, मान लो मैं कुछ नाम दे रहा हूं ऐसा समझने के लिए, कोई मान लो क्या है, ए है, जी है, टी है, सी है, ये सब क्या है, जीन का सीक्वेंस है। अब इनके ठीक है, अच्छा है, आप लोग 12th में आप लोग को मिलेगा,
अच्छी बात है, एडीन है, ग्वानिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, और आरएनए में यूरेसिल भी होता है, क्लियर है क्या? हियर इट इज साइटोसिन। इनके अगर सीक्वेंस में चेंज आए, अब म्यूटेशन भी अलग अलग टाइप का होता है, जो आपने नाम लिया था मैं बता रहा हूँ, म्यूटेशन भी अलग अलग टाइप का होता है, चाहे तो उससे यहाँ से एक डिलीट हो जाए या कोई नया आके यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। तो डिलीशन म्यूटेशन होता है या इंसर्शन म्यूटेशन होता है, इज इट क्लियर? या फिर अगर पूरा का पूरा सेट ही चेंज हो गया तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है ना? Yes. इसमें जो ये वेरिएशन होती है ये दो नया कॉम्बिनेशन के आने की वजह से होती है, क्योंकि मेल कुछ एक हैप्लॉइड से लेके आएगा और ये फीमेल कुछ हैप्लॉइड से लेके आएगा, दोनों मिल करके एक कंप्लीट एक जायगोट बनाएगा, दैट विल बी द डिफरेंट कुछ वेरिएशन आएगी, जैसे आप लोग हो या हम लोग हैं। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहां पर दो डिफरेंट गैमेट्स मिलकर बनते हैं, तो समवॉट हम लोग एग्जैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है कि ये एग्जैक्ट दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन्स भी बोलते हैं, दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, इज इट क्लियर? यस यस सर। Are all of you agreed to my point or not? Yes. एक जो लिखने वाला टाइम है आप लोग लिखो टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है, कौन मुझे बताएगा? Anyone? टैक्सोनॉमी क्या होती है? Way of naming something. Way of naming organism. ठीक है, और study of various animals, plants. स्टडी, हाँ, और बोलो सर। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग, और बोलो बोलो ना, बोलते रहो मैं सुन रहा हूँ। अरे बोलो, मैं सुन रहा हूँ सर। लेवल्स होते हैं अलग अलग, जैसे किंगडम, फैमिली। अच्छा हाँ, तो बेसिकली हम लोग टैक्सोनॉमी की जब बात करेंगे, ये क्या होते हैं, एक पूरे के देखो, अपने पास इतनी सारे ऑर्गेनिज्म है, क्या हम लोग इन सबको इजीली हम लोग उसको पढ़ सकते हैं क्या? क्या हम सारे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग करके पढ़ सकते हैं? तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने क्या किया, मतलब हम लोगों ने कुछ, आप जैसे ही विद्वान लोग थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे, साइंटिस्ट थे, जिनको मैं विद्वान लोग बोलता हूँ, आप जैसे कोई पर्सन था, जिन लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को इस हिसाब से क्लासिफाई किया गया, ताकि जो आने वाले जनरेशन जब वो उनके बारे में, जैसे आप लोग हो, तो बेसिकली आप लोगों के लिए क्या किया गया है, तो आप लोग पढ़ोगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि हम लोग पढ़ते इसलिए है, बेसिकली वाट एवर इज बींग डन ओनली फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, कि हम लोग किसी न किसी तरीके से ह्यूमन के वेलफेयर में उनको हम लोग यूज पे ला सके और अपना एनवायरमेंट सही से कंजर्व कर सके, बोलो ना। यस, क्लियर है क्या, एनवायरमेंट पे हम लोग ऐसा कर सकें। सो फॉर दिस हम लोग पहले टैक्सोनॉमी को डिफाइन करेंगे। बेसिकली टैक्सोनॉमी क्या होती है, इट इज अ सिस्टमैटिक मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और टैक्सोनॉमी क्या होती है, आपके पास एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है जहां पर हम लोग ऑर्गेनिज्म को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे, कैसे उनको हम लोग और क्या है आइडेंटिफाई करेंगे, इन सब प्रोसेस को हम लोग जिस मेथड से लेते हैं, जिस मेथड से पढ़ते हैं, जिस प्रोसेस से पढ़ते हैं, जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया? यस। हाँ, इसमें आप लोग ये पॉइंट लिखिए, सिस्टमेटिक एंड मोन्यूमेंटल। मोन्यूमेंटल का मतलब पता है क्या आप लोगों को, मतलब अच्छी तरीके से, मतलब कि अच्छे डेकोरेटिव मैनर पे, ठीक है ना? मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन of life forms
to life forms made human to make a detailed systematic and monumental description of life forms made human to make a detailed system of identification nomenclature and classification of organisms. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यहां पर मैंने लिखा सिस्टमैटिक्स. इस डेफिनेशन में किसी को दिक्कत है? बताओ. किसी को दिक्कत है? नहीं सर. बेटा आप लोगों को भी बोलना है. जेल आपका कैमरा बंद है. सिमरनदीप कौर आपका भी कैमरा बंद है. आप लोगों को डाउट है बेटा? युक्ता झेल. लेकिन मैं आप लोगों से फिर सवाल पूछूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में ये सारा चीज, या फिर अभी क्लास के एंड में सारा चीज मैं आपसे रिवाइज करवाऊंगा. क्या आप लोग आंसर कर सकते हो? यस. हाँ. सो कमिंग टू नेक्स्ट, इसमें एक टर्म लिखा हूं सिस्टमेटिक. सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है मुझे कौन बताएगा? एनीवन? प्रॉपर सीक्वेंस में किसी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक्स बोलते हैं. क्लियर है क्या आप लोगों को? अरे बोलो तो. यस सर. क्या होती है सिस्टमेटिक्स? प्रॉपर ऑर्डर सीक्वेंस. हाँ, तो इसको आप लोग लिखना है इसमें सिस्टमैटिक्स के बारे में. सिस्टमैटिक्स मीन्स वी कैन से द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. मीन्स एक ऑर्गेनिज्म को उसके प्रॉपर ऑर्डर के साथ इनको अरेंज करना, दैट इज द सिस्टमैटिक्स. मीन्स प्रॉपरली अरेंज. अब कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो हर एक चीज सही आपको जब लगेगी जब आपको ये प्रॉपर मैनर पे हो. जैसे आप फॉर एग्जांपल जिस हाउस पे, जिस होम पे, जिस घर पे रहते हो आप लोग, उसमें हर एक चीज, आप चाहे मेज हो, डाइनिंग टेबल हो, टीवी हो, सोफा, अब हर एक चीज प्रॉपर अपने एग्जैक्ट प्लेस में रहेगा तो इट विल लुक बेटर. अदरवाइज इट विल लुक मतलब गंदा सा लगेगा, एक डल सा लगेगा. और घर की जो हाउस है उनकी आपकी फिनिशिंग का जो अपीयरेंस है वो भी बेकार सा लगेगा. तो हम लोग क्या करते हैं? उसको अच्छे से प्रॉपर प्लेस में उनको सेट करते हैं. उसी तरीके से यहाँ पे होता है सिस्टमैटिक्स में, जहां पर ऑर्गेनिज्म को अपने अपने प्लेस, अपने अपने किंगडम, अपने अपने डिवीजन, अपने अपने फाइलम, इन सब के बेस पे फैमिलीज है, ऑर्डर्स है, और क्या है, जीनस है और स्पेसीज है, इनको अपने अपने लेवल के हिसाब से इनको अरेंज करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं. क्लियर है क्या? सो द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्लियर है क्या? यस सर. The term systematics was given by anyone? ये आप लोगों ने लिख लिया था क्या? Yes sir, लिख लिया. Everyone? हाँ सर. बेटा मेरे क्लास में सबको बोलना है. निशिका आप कुछ बोलने रहे हो, सिमरनदीप कौर आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो, युक्ता भी कुछ नहीं बोल रही. बेटा सबको बोलना है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि बोलना शुरू करो. बायोलॉजी आप लोगों का सब्जेक्ट है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई खौफ है. बी अ फ्रेंडली. आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बायोलॉजी में कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे आपके सीनियर ब्रदर्स मुझसे पूछते हैं.
मैंने उन लोगों के लिए मतलब बोल रखा है कि आप किसी भी टाइम कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? पढ़ने के दौरान कभी भी आपको डाउट हो तो आप मुझे किसी भी टाइम अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आपको इंस्टेंट या कुछ टाइम बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, तो सिस्टमैटिक दिस टर्म वॉज गिवन बाई द टर्म सिस्टमैटिक्स. अच्छा, आपको यहाँ पर ना जो हम लोग 11th में पढ़ने वाले हैं, जो खासतौर से डाइवर्सिटी वाला पोर्शन है, कौन सा टर्म कौन दिया है ये जानना जरूरी है. इनके बारे में सवाल पूछी जाती है, या कोई फादर कौन है, ये सब सवाल पूछ जाते, ठीक है ना? द टर्म सिस्टमैटिक्स वॉज गिवन बाई एक साइंटिस्ट है, नाम है कैरोलस लीनियस. यहाँ पर हम लोग उसको शॉर्ट में बोलेंगे लीनियस, ठीक है? एक साइंटिस्ट है जिसने प्लांट को एक अलग किंगडम में उसको अच्छी तरह नोमेनक्लेचर किया और एनिमल्स को उसने अलग किंगडम में उनको अलग उसको पूरा का पूरा नेमिंग किया, INC कर दिया. जो हम लोगों ने भी बात किया ना, ये आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इनको आपको INC के तौर पर नाम याद रखना है. बेसिकली सिस्टमेटिक्स क्या होती है कि इन सब ऑर्गेनिज्म को INC के रूप में इनको अरेंज करना, दैट इज द सिस्टमैटिक्स. या हम लोगों ने भी बात किया किसके बारे में, टैक्सोनॉमी में. टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं हम लोग, INC करते हैं किनका, ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना? आगे हम लोग अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर ये आई है, एन है, सी है, इनके अलावा एक टर्म और होती है. सिक्वेंस ऐसा ही होता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन. पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, देन फिर क्या करेंगे, उसको नेमिंग देंगे. नेमिंग देंगे क्या, उसके लिए अलग अलग अपने पास रूल्स है. जैसे जूलॉजी के लिए अलग रूल है, बॉटनी के लिए अलग रूल है, मीन्स प्लांट का नेमिंग के लिए अलग रूल है, एनिमल्स का नेमिंग के लिए अलग रूल है. तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि हम लोग जूलॉजी के लिए, नेमिंग के लिए कौन कौन से रूल यूज करते हैं हम लोग? बोलो. नहीं मालूम सर, जीनस और स्पीशीज का नाम. नहीं नहीं नहीं, कुछ इनके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ कोड ऑफ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू. अब जैसे आपका नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम, होमोसेपियन. तो होमोसेपियंस कैसे रखा गया, कुछ सेट ऑफ रूल्स के तहत है ना. अब जैसे मैंगो है, मैंगो का नाम क्या होता है, मैंजिफेरा इंडिका. अब पोटेटो का नाम क्या होता है, को नहीं पता. ट्यूबरोस नाम सुना है क्या आप लोगों ने? हेलो, क्या आप लोगों ने ट्यूबरोसम का नाम सुना है क्या? नहीं नहीं. हाउसफ्लाई का नाम सुना है, मुस्का डोमेस्टिका. जैसे अगर हम लोग वीट के बारे में बात करें तो इट इज ट्रिटिकम एस्टिवम. ट्रिटिकम एस्टिवम ये किसका नाम है, वीट का. तो इस तरीके से नाम रखा गया है, तो कुछ कुछ तो सेट ऑफ रूल्स होगा ना. ऐसे तो नहीं कि हम कहीं पे कुछ भी रख दें. जैसे मान लो मैं किसी का नाम लेता हूँ, किसी का कोई बोलो ना, मतलब किसी का टाइटल क्या है. आमिया, आपका टाइटल क्या है, आपका सरनेम क्या है? शर्मा. आमिया शर्मा. तो हम लोग इस तरीके के कुछ भी हम लोग नाम नहीं डाल सकते हैं. ये आप लोगों का नाम इसलिए रखा गया है ताकि आपकी एक स्पेसिफिक पहचान हो. होमोसेपियन तो सारे हैं, आमिया भी है, पार्वती भी है, झील भी है, युक्ता भी है, सिमरनदीप भी है और निष्का भी है. लेकिन अब मैं पूछूं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हमें मानना हो तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे. इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिकली हम लोग नेम्स उनको प्रोवाइड करते हैं. तो जूलॉजी के लिए मीन्स एनिमल्स के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ICZN लेते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ये पूरा ये ऐसे नेम्स होते हैं ये पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड होनी चाहिए, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल और एक्सेप्टेड होनी चाहिए. तो ये थ्रू ICZN के थ्रू ही होता है ये. मीन्स हम लोग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे. एक होती है जूलॉजी के लिए, मीन्स प्लांट के लिए, मतलब बॉटनी के लिए होती है, दैट इज द ICBN. मतलब
इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। क्या इतना आप लोगों को बात क्लियर है? यस सर। जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो यह सारा सेट ऑफ रूल्स आपके पास आएगा कि हम लोग ICZN और ICBN के लिए ही फिलहाल पढ़ते हैं। वैसे माइक्रोबायोलॉजी के लिए माइक्रोब्स का नेमिंग के लिए अलग आपके पास सेट ऑफ रूल्स है, तो आप लोगों को अभी फिलहाल के सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया दिया जाएगा कि हम लोग उनका भी नेमिंग करते हैं, ठीक है ना? हाँ, मैं कुछ ये आपको नया चीज बता रहा था कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है। अगर इनके अलावा एक टर्म आता है कैरेक्टराइजेशन। क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन। अगर आपको ये भी मिले तो पहले हम लोग कैरेक्टर के बेस पे उनको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। कैरेक्टर्स के बेस पे हम लोग इनको डिफरेंशिएट करते हैं। अब मान लो कोई हम लोग प्लांट्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कोई ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, उनको हम लोग को अपने को डिफरेंशिएट करना है, उसका हमें टैक्सोनॉमी करनी है। मींस उसको हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमेटिक वे में उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ताकि उसका एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, उनका हमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ होते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, आप लोगों ने पढ़ा हुआ लीफ के बारे में। लीफ कैसे होते हैं, कुछ अगर हम लोग उनके वेनेशन पे बात करें तो लीफ आपके पास दो तरीके का हो सकता है। एक होता है पैरेलल वेनेशन, दूसरा क्या होता है, रेटिकुलेट। तो ये क्या होगा, आपके पास कुछ कैरेक्टर्स टाइप के हम लोगों ने कैरेक्टर के बेस पे उसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। अच्छा, पैरेलल वेनेशन कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं? किसमें आवाज नहीं आ रही? हेलो सर, एग्जांपल नहीं, मतलब पैरेलल वेनेशन कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, किस मतलब कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स में? मोनोकोट होता है, डाइकोट होता है? मोनोकोट। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। रेटिकुलेट, डाइकोट। हाँ, मतलब कन्फिडेंस रहना है। आप लोग, आप पार्वती, आप ऐसा बोल लो कि जैसे आपकी डर डर के बोल लो कि गलत होगा सही होगा, बी कन्फिडेंट। ऐसे अगर सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बी कन्फिडेंट, हाँ जो मुझे पता है वो सही है। हाँ, अगर गलत होगा सर आपको बताएंगे, हाँ बेटा ऐसे नहीं, ये होता है, ठीक है? तो आपको कन्फिडेंट होना है। आप लोग को कुछ युक्ता, आप लोगों को नहीं कुछ नहीं बोलना है क्या? झील, आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है? अच्छा नहीं लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? सबको बोलना है क्लास में, सबको क्लास में सबको बोलना है। सिमरनजीत तो कुछ बोले, मतलब वो कुछ, मतलब उनसे मुझसे उनके मुंह से कुछ कुछ निकला ही नहीं है। पहले क्लास है तो अच्छे से हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को ताकि हम लोग नेक्स्ट अच्छे से पढ़ सके। हेलो सिमरनदीप। हाँ सर। बेटा क्लास में हो क्या? हाँ। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ तबीयत ठीक है। अपना कैमरा ऑन कीजिए। सर नेटवर्क इश्यूज है। चलो निष्का, निष्का क्लास में है बेटा? यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। मैंने बोला क्लास में सबको बोलना है, आप लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ शांत हैं, तो बोलोगे तभी कुछ समझ में आएगा ना। चलो कोई नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कैसे कैरेक्टर्स के बेस पे हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, नो इश्यू। मैंने क्या बोला कि हम लोग कैरेक्टर्स के बेस पे हम लोग कैसे इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले हम लोगों ने क्या बोला कि पैरेलल वेनेशन है, दूसरा क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है। इज इट क्लियर? फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रूट सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ा होगा? रूट सिस्टम। इसे अब लिखना कुछ नहीं है, इसे समझना है। ये एक होता है आपके पास टैप रूट सिस्टम, बोलो ना। यस
दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम. इज इट क्लियर? कुछ प्रोप रूट्स भी होते हैं, तो प्रोप रूट्स तो ब्रांचिंग से निकलते हैं. जैसे आप लोगों ने सीट को देखा होगा, जब सीट सॉइल पे आप लोग सो करते हैं तो कुछ पार्ट ऊपर जाता है, कुछ पार्ट नीचे जाता है. नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? रेडिकल. रेडिकल, गुड. ऊपर वाले पार्ट को, एक मिनट युक्ता आप बोलिए. युक्ता सबसे पूछूंगा. युक्ता बेटा बोलिए, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सीट जब जर्मिनेट करेगा तो सीट का कुछ पार्ट ग्रो करते हुए ऊपर जाएगा, कुछ ये मान लो सॉइल सरफेस है, कुछ ऊपर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? नीचे वाले को तो किसी ने बताया ये रेडिकल होता है. ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो युक्ता. कोई नहीं, आप चैट में बताइए. मेरी आवाज आपको आ रही है तो आप चैट में भी आंसर कर सकते हैं. बोलो एक तो. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओके गुड, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल बोलते हैं. बेटा पार्वती आप कुछ बोल रहे थे, आपका भी आंसर क्या प्लूम्यूल था क्या? हाँ सर. हाँ गुड, तो प्लूम्यूल से क्या बनेगा आपके पास? स्टेम का शूट सिस्टम बनेगा. इज इट क्लियर? बनेगा कि नहीं बनेगा? और इस रेडिकल से क्या बनेगा? रूट सिस्टम बनेगा. ये तो मोनोकोट्स डाइकोट्स में कॉमन हो गए. तो टैप रूट वाला सिस्टम है ये जनरली किसमें होता है? डाइकोट्स में होते हैं, बोलो ना. यस सर. और एडवेंचर किसमें होते हैं? जो कि फाइब्रस होता है वो किसमें होते हैं? मोनोकोट्स में. अगर हम लोग रूट्स के बारे में बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे आपका क्या है, ये रेडिकल पोर्शन है, तो इन टैप रूट्स में क्या होता है? आप लोगों के एक चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पे आप लोग उसका डिटेल से पढ़ोगे. तो एडवांटेजेस में क्या होती है कि जो प्राइमरी रूट की ग्रोथ होती है ना, इट इज रिप्लेस्ड बाई, ये खत्म हो जाती है, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाई सम फाइब्रस रूट्स. दीज आर नोन एज एडवांटेज रूट्स. लेकिन टैप रूट में क्या होता है, एक रूट कंटिन्यूसली लॉन्ग ग्रो करता है और साइड साइड से इनकी ब्रांचिंग निकलती है. इसमें होती है ये प्राइमरी हो गया, इससे सेकेंडरी हो गया, जो इससे निकलेगा वो क्या होगा? टर्शियरी होगा. टर्शियरी. इतना आप लोगों को क्लियर है क्या? यस सर. यस सर. ये थोड़ा सा हम लोगों ने इसी बेस पे हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं. अब जैसे मान लो फ्लावर का प्रजेंस है, तो कैसे वो, मान लो ये अपने पास क्या है, ये मैं अपने पास प्लांट है, ठीक है, ये ब्रांच है. अब ब्रांच में क्या होगा, चाहे तो फ्लावर इस पोजीशन पे होगा या लेटरल होगा, मींस चाहे तो वो एक्सियल पे होगा या फिर वो टर्मिनल पोजीशन पे होगा. दिस इज द टर्मिनल पोजीशन एंड दिस इज द एक्सियल पोजीशन. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इन कैरेक्टर्स को यूज करते हुए, अच्छा हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि वो बायसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, जो उनके पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, ये फ्यूज है या सेपरेट है, मतलब हम लोग बोलते हैं गैमोसेपलस या पॉलीसेपलस, बोलो ना. तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म यूज करते हैं ताकि हम लोग ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई कर सके, ऑर्गेनिज्म्स को डिफाइन कर सके उनके कन्वीनियंट ग्रुप्स में, उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में. तो पहला हम लोगों ने क्या बात किया, एक तो हम लोगों ने बात किया INC, आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. उससे पहले हम लोग, अगर ये मेंशन हो तो हम लोग इसको अपॉइंट करते हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं. तो पहले हम लोग कैरेक्टर के बेस पे इनको डिफरेंशिएट करेंगे. सो यूजिंग कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है. तो आपको INC के बजाय CINC याद रखना, मतलब ये किसी को बोलना है कि देखो ये INC है, बोलते हैं ना. सी का मतलब होता क्या? अरे सी का मतलब क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन. कैरेक्टराइजेशन, ठीक है ना.
तो सी आई एन सी के तौर पे याद रखना है, सी फॉर कैरेक्टराइजेशन, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एन फॉर नोमेनक्लेचर एंड सी फॉर क्लासिफिकेशन। एवरीवन रिपीट विद मी, सी आई एन सी का क्या मतलब है युक्ता? प्रॉब्लम है, सबको सब बोलो, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आपकी आवाज में बोल्डनेस आनी चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे आवाज में कुछ कमी आ रही है क्या? नहीं सर। हाँ तो मैं तेरे आपको बोल्डनेस बोलना है। बायोलॉजी का स्टूडेंट हो, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, इसमें किसी ने नहीं डरना। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा हम लोग कम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मतलब कम्प्रोमाइज वहाँ पर भी नहीं करना है, लेकिन बायोलॉजी आपका खुद का सब्जेक्ट है क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में हो, इसमें कोई नहीं ना कोई हमें शर्माना है, गलत होगा तो सर सही कर लेंगे। सर है आपके पास अवेलेबल, सर 24/7 सर आपके लिए अवेलेबल है, कोई दिक्कत होगा सर आपको सही कर लेंगे, लेकिन इसमें आपको डरना नहीं है, बी बोल्ड और हमेशा अपने को लगे हाँ बायोलॉजी मुझे आती है, ठीक है ना? और मुझे ये क्वेश्चन मुझसे ही होगा और मैं ही कर सकता हूँ, कभी ये नहीं कहना है कि सर मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, और कभी मेरे सामने मत कहना कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत पिटाई करता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ तो मैंने क्या बोला, सी आई एन सी, तो कहीं पे आप नोट्स डाल के लिख लीजिए, सी आई एन सी, सी स्टैंड फॉर कैरेक्टराइजेशन, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिफिकेशन और एन स्टैंड फॉर नोमेनक्लेचर, सी स्टैंड फॉर क्लासिफिकेशन। ये सिक्वेंस हुआ, तो ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन हम लोग इन सिक्वेंस को फॉलो करते हैं। याद रखने के लिए आप सिक्वेंस को कैसे याद रखोगे, कुछ है आपके पास शॉर्ट एब्रीविएशन? आप लोगों के पास शॉर्ट एब्रीविएशन कुछ है आईएनसी के तौर पर, क्या मैं बताऊं? बताओ, मतलब आप लोगों के पास नहीं है। एक अपने पास इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाँ तो आपको वैसे याद रखना है, जानते हो क्या? यस सर इंडियन, या फिर आप लोग ऐसे भी कह सकते हो इंटरनेशनल कमिटी, ठीक है? अरे बोलो ना। यस सर। जिनको दोनों में से जिनको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है? हाँ, या फिर और वी कैन से इंटर, आई फॉर इंटर, एन फॉर नेशनल कमिटी, बोलो ना। यस। हाँ अब सी फॉर क्या लिखेंगे, तो आप बोलते हैं ना कि देखो देखो कोई चीज आ रही है, तो आपको याद रखना है सी आई एन सी, देखो आई एन सी है, ठीक है ना? Yes. वो वाला सी, ये वाला सी, सी मतलब क्या होता है? ये वाला सी नहीं, ठीक है? Yes, sir. हाँ तो ये था आपके पास सी आई एन सी के बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें अपने पास नेक्स्ट ये है कि हम इन सब चीज को फिर आगे कैसे करते हैं। जैसे आप लोगों ने बात किया टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में अपने पास क्या क्या होती है, इसी हम लोग आईएनसी के बारे में बात करते हैं, टैक्सोनॉमी। अच्छा, जो साइंटिस्ट टैक्सोनॉमी वाले स्टडी करते हैं वो क्या बोलते हैं हम लोग? टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिस्ट। दिस टर्म वॉज गिवन बाई ये सवाल नीट में पूछा गया है, ठीक है? गिवन बाई एक साइंटिस्ट है ए पी डी, साथ में बोलो कैंडोले, कौन सा डोले? कैंडोले नहीं, कौन सा कैंडोले? ए पी डी कैंडोले। ये साइंटिस्ट है जिसने टैक्सोनॉमी टर्म दिया था, ठीक है? और यहाँ पर टैक्सोनॉमी का मतलब अगर हम लोग वर्ड वाइज मतलब देखें
इसका मतलब होता है, एक तो है टैक्सो, एक तो है नोमी। एक क्या है? टैक्सो, एक है नोमी, मींस टैक्सोस, टैक्सिस और नोमीस। क्लियर है क्या? टैक्सिस में टैक्सो मींस टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। और नोमी आया नोमस से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोज बोलते हैं। लोज के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? टैक्सोनोमी बोलते हैं। क्या किसी को इस बात से दिक्कत है या कोई डिसएग्रीड है मेरे बात से तो बताओ, ताकि मैं उसे एक्सप्लेन कर सकूं। नहीं सर। हाँ, तो ये जो आपके आपके तरह एक विद्वान है एपीडी केंडोले, कौन सा केंडोले? एपीडी केंडोले। हाँ, अच्छी बात, आप लोगों को एक ही बार में नाम याद हो गया। एपीडी केंडोले नाम हमेशा याद रखना है, यहाँ पे डी नहीं है, केंडोले है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। सो एपीडी केंडोले ने एक बुक लिखा है, इसका नाम है थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री ये वो वाला एलिमेंट्री नहीं जो आप लोग एलिमेंट्री जानते हैं, डीला बोटनी का, बोटनी ये उसने बुक, और इस बुक के अंदर वो सारा का सारा चीज लिखा है, ठीक है ना। तो मीन्स इसको हम लोग दूसरे नाम पे ये भी बोलते हैं, थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बोटनी, थ्योरी ऑफ उनके अपने टर्म पे था, अपने लैंग्वेज था, या हम लोग अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, थ्योरीज ऑफ, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। अरे बोलो ना। यस सर। तो इसी बुक के अंदर इन सब के बारे में उसने डिटेल स्टडी के बारे में उसने लिखा है, कौन? एपीडी केंडोले ने। तो क्या इसका नाम भूलोगे आप लोग इस इंसान के नाम को? इसका बहुत सारा योगदान है। हाँ, इनका बहुत सारा योगदान है आपको इतने सारे टेंशन देने के लिए। तो जो लोग टेंशन देते हैं उसको भूलते नहीं, ठीक है ना। तो नाम है एपीडी केंडोले, जिसने टर्म दिया है टैक्सोनोमी, और उसने किताब लिखा है, नाम है थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री डीला बॉटनी का। रिपीट विथ मी, बॉटनिका, ठीक है ना। यस सर। और उसको सिंपल टर्म में क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, जहां पर उसने टैक्सोनॉमी का पूरा डिटेल स्टडी दिया था। क्या दिया था? पूरा डिटेल स्टडी ऑफ आईएनसी, मींस वी कैन से सीआईएनसी। सो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, आपके पास ये आपने पूरा लिख लिया? यस सर। आप लोग लिखने में आप लोग एक्सपर्ट हो यार। हाँ जी। हाँ, तो इट कंसिस्ट ऑफ, आपने पास क्या क्या होती है? पहला क्या होगा इसके अंदर? आइडेंटिफिकेशन। पहला क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन। अरे बोलो ना। दूसरा क्या होगा? नोमेनक्लेचर। तीसरा क्या होगा? क्लासिफिकेशन। तो फिलहाल इस टैक्सोनॉमी के हम लोग थोड़ा यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि अपना मेन टॉपिक क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। पहले उसे हमें जानना है कि पहले हमें लोग लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, इतना आप लोगों ने लिख लिया क्या? लिख लिया सर। हाँ, एक इसमें स्टार डाल के पॉइंट लिखो कि कभी आपसे सवाल पूछता है कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, तो आप लोग क्या आंसर दोगे?
सर आपका ब्रेक हो रहा है बेटा, मोबाइल के नेट से चल रहा है, लाइट जा चुकी है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक बार नहीं दो बार बोलूंगा, दो बार नहीं तीन बार, लेकिन मैं बोलूंगा ठीक है ना। बस बोल देना कि आवाज नहीं आई। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी ये होती क्या है, मतलब इसका कहने का मतलब है टैक्सोनॉमी का हकीकत में एग्जिस्टेंस क्या है, इसे क्या समझेंगे? कोई नहीं बोलेगा मुझे क्या? सर इट विल हेल्प अस स्टडी द ऑर्गेनिजम्स इजीियर। तो इसके लिए टाइम लिखना है। इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोग किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई हैं। सो टू नो द बेटा क्लास में हो गया क्या, या आप कहीं बाहर बाहर क्लास में हो? क्लास में हो क्या? यस। मुझे लगा कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं है। मैं इशारा काफी है, मैं नाम लेना नहीं चाहता ठीक है ना। समझदार है, समझ जाइए ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, फिर सारा काम हो जाएगा ठीक है, सभी समझ में आएगा। हाँ, टू आइडेंटिफाई द अननोन ऑर्गेनिज्म, यही अपना टैक्सोनॉमी का असल हकीकत है। कि हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ क्यों रहे हैं? किसी ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए ना। अरे बोलो ना। यस सर। इसमें आपको समझना है कि इट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन कुछ समझ में आया कि नहीं है बताओ। जो भी अननोन ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, इस यही तो अपना टैक्सोनॉमी का हकीकत में एप्लीकेशन है। यस और नो? यस सर। हाँ, एक पॉइंट आप में और लिखना है, एक पॉइंट और ऐड करना है इसी के नीचे, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नीचे लिखना है कि टिल डेट द नंबर ऑफ स्पेसिस नॉन एंड डिस्क्राइब। बोलो ना। 1.7 टोटल नंबर ऑफ स्पेसीज नॉन एंड डिस्क्राइब, यस और नो? यस। नॉन एंड डिस्क्राइब, उनकी डेटा कितनी है आपके पास? डिस्क्राइब, ये नीट के 2020 में पूछा गया था, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलो ना यार। 1.7 to 1.8 million 2020 NEET में पूछा गया था, कभी भूलोगे इसको? नहीं सर। नो सर। कब पूछा गया था? 2020 के NEET में, जो पिछले साल हुआ था ना 2020 में, उसमें सवाल पूछा गया था कि अब तक कितने नंबर ऑफ स्पीशीज नॉन है और डिस्क्राइब्ड है। That is the 1.7 to 1.8 million. Clear है क्या? वैसे number of species बहुत सारे हैं, मतलब जितना अपने को पता है उससे कहीं ज्यादा, कहीं many times more number of organisms are till now, till date existing that are not even described, not even known. Clear है क्या? Yes sir. जो भी नया organism आएगा उसको INC या नॉट INC तो ठीक है ही, ICBN या ICZN के तहत उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे, मीन्स उनको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, मीन्स उनका हम लोग टैक्सोनॉमी करेंगे। क्या करेंगे? टैक्सोनॉमी, ठीक है ना सर? एक क्वेश्चन था। आप एक नहीं दो पूछो सर। इससे मतलब इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन मेरे को क्वेश्चन था कि अगर कोई एग्जिस्टिंग स्पीशीज है
उसमें एवोल्यूशन के कारण बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गए, तो फिर उसको एक नया स्पीशीज दे सकते हैं इससे। हाँ, जो अपने पास स्पीशीज का डेवलपमेंट होता है ना, आपके इवोल्यूशन के रिगार्डिंग एक आपके पास 12th में चैप्टर है इवोल्यूशन, कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुआ है। जैसे हम लोग ह्यूमंस है ना, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू साइंस वी आर नॉट एज इट इज। पहले हम लोग कुछ और थे, पहले कोई ट्री डिवेलिंग था, ब्रेन कैपेसिटी पहले कुछ और था, थिंकिंग एबिलिटी अपने उतना नहीं थी जितना आज अपने पास है, ठीक है ना। आज हम लोग सुपर डिवेलप्ड या मोस्ट डिवेलप्ड, पहले इतना हम लोग नहीं थे। अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन हम लोग इतना नहीं थे। पहले जब यूनिवर्स, जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, तो उस टाइम बहुत कुछ हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बोलो। अरे जब अर्थ की फॉर्मेशन हुआ है, कोई थ्योरी है ना एक डार्विन की, बिग बैंग। हाँ, बिग बैंग थ्योरी। तो कुछ इस तरीके से कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि केमिकल इवोल्यूशन, कुछ का मानना है एक स्पेसिफिक इवोल्यूशन, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया है। तो इनका डिटेल्स आप लोग वहां पर पढ़ोगे कि किसी का कहना है कि जो हम लोग आज देख रहे हैं ये बेसिकली कुछ मतलब कि लिविंग सब्सटेंस के अंदर के कंस्टिट्यूएंट को देखते हुए उन लोगों ने ये डिफाइन किया कि ऑर्गेनिज्म इस तरीके से इवॉल्व हुआ है, सिर्फ एक अनुमान लगाया है। मतलब उनको लैब में करके देखा ऐसा हो गया तो मान लिया कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन एट द टाइम ना कोई था ना कोई उनके पास कोई इस तरीके से है नहीं। लेकिन टिल डेट इवोल्यूशन को कोई मतलब पढ़ते समझते तो हैं, क्योंकि कुछ है नहीं तो हम लोग इसी को समझते हैं, ठीक है। तो अलग अलग इसको अलग अलग स्कॉलर के हिसाब से अलग अलग थ्योरीज आती है, ठीक है ना। कुछ केमिकल इवोल्यूशन है, कुछ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है, कुछ का मानना यह है कि इतने देश में, क्योंकि एक कोई सुपर क्रिएचर है जो इन सब चीज को क्रिएट किया है, ये एज इट इज क्रिएट किया गया था, उसका यह मानना है। कुछ का ये मानना है कि इवॉल्व हुआ है, ठीक है ना। कुछ इन दोनों के बीच के हैं। कुछ का कहना है कि जो कीचर वगैरह होता है, मड वगैरह होता है, इससे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। कुछ माइक्रोब्स है, पहले प्रोक आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल में कि प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, पहले नॉन ऑक्सीजनिक था, फिर उससे पहले नॉन फोटोसिंथेटिक था, फिर उससे क्या हुआ, फोटोसिंथेटिक डेवलपमेंट हुआ। उसी कोर्स ऑफ डेवलपमेंट के दौरान आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का भी इवोल्यूशन हुआ था, पढ़ाया गया। अरे मैम ने तो पढ़ाया होगा ना आप लोगों को। यस सर। आप लोगों ने मैम ने आप लोगों को एक कहानी सुनाया होगा कि बेटा देखो ऐसे प्लास्टिड आया था, ऐसे वो क्लोरोफिल ऐसे आया था, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे आया था, यस सर नो, इज इट क्लियर। पहले क्लोरोफिल ऑर्गेनिज्म में नहीं था, पहले नॉन फोटोसिंथेटिक था, पहले एनर्जी के लिए कुछ थी नहीं उनके पास, तो वो अपने अपने किसी काम के तहत आया था, और फिर दोनों ने क्या किया, एक सिम्बायोटिक रिलेशन बना लिया। क्या बना लिया, सिम्बायोटिक रिलेशन, कि मुझे यहाँ पे रह के मुझे अपना काम करने दो, तुमको भी फायदा मिलेगा, मुझे भी फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन में क्या हुआ कि अलग अलग इसमें थ्योरीज है, ठीक है ना। कुछ केमिकल इवोल्यूशन है, कुछ स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है कि कुछ इतने दिन में अर्थ की फॉर्मेशन हुई, फिर उसमें से ऑर्गेनिज्म आया। कुछ ये कहते हैं कि ह्यूमंस आज एज इट इज पहले भी था, आज भी वैसा ही है, लेकिन हाँ थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि आप लोग को उतना ही पता होगा जितना आपके पास ब्रेन, आपके पास थिंकिंग लेवल पे होगा, जितना ब्रेन को यूज करके आप उतना ही शार्प माइंडेड हो जाओगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं क्या बताऊं, कोई ऐसी चीज है, मान लो कोई एक जंगल है, क्या है, एक बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट है ना, अब उसमें कोई आना जाना है नहीं, ना वहाँ पे आमिया है, ना पार्वती है, ना झील है, ना युक्ता है, ना निष्का है, ना सिमरनदीप, कोई नहीं है। अब धीरे धीरे आप में से कोई वहाँ पर जाने लगा, फिर आपको देखते हुए कोई और आपका फ्रेंड जाने लगा, तो धीरे धीरे उस फॉरेस्ट पे आप लोग आना जाना करोगे, तो क्या उस फॉरेस्ट पे कोई ऐसा लगे कि हाँ कोई पर्सन यहाँ पे आना जाना कर रहा है। अब जिस रास्ते को यूज करोगे तो वहाँ पे एक रास्ता बन जाएगा ना। यस यस सर। हाँ, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे ब्रेन में भी होता है। तो जितना ब्रेन को आप यूज करोगे उतना ही वो इफेक्टिव होगा और उतना ही आपका थिंकिंग लेवल बढ़ेगा। जो माइंड को यूज करता ही नहीं वो डल होता है, वो ब्लंड होता है। तो जो यूज करेगा, जितना यूज करोगे
जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग साइंटिस्ट बनते हैं, वो लोग अपने दिमाग को बहुत यूज करते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अच्छा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हो रहा था काहे हो रहा है, ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग इन देयर माइंड, ठीक है ना। हाँ तो माइंड को आप जितना यूज करोगे, पहले ब्रेन कैपेसिटी कुछ और थी, लेकिन अभी ब्रेन कैपेसिटी कुछ और है, कभी 800 थी, कभी 700 थी, आज 1400 के आसपास सीसी में हम लोग मतलब ब्रेन को थिंकिंग एबिलिटी को नापने के लिए हम लोग रखते हैं सीसी में। तो इनका डिटेल से आप लोग पढ़ोगे 12th में, आपको 12th में मिलेगा, ठीक है। आपका डाउट क्लियर है या कुछ रह गया सर? तो अगर अब एक स्पीशी है उसमें थोड़े ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिनका कैरेक्टर चेंज हो रहा है, तो उनको एक नया स्पीशी दे सकते हैं? देखो नया स्पीशीज हम लोग उसी को देंगे, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इसको, जिनका पहले से कोई ऐसा एग्जिस्टेंस ना हो या उससे मिलता जुलता हो। और स्पीशीज हम लोग उसको बोलते हैं कि जो आपस में इंटरब्रीड कराया जाए और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे, दैट विल बी द स्पीशीज। क्लियर है क्या? Yes. जैसे आप लोगों ने आप लोगों को पता होगा, जैसे हॉर्स और डंकी होता है ना, हॉर्स एक अलग स्पीशीज है, डंकी एक अलग स्पीशीज है, पर ये एक ओनली एक ऑर्गेनिज्म है जिनके मेटिंग से, जिनके कॉपुलेशन से नया ऑर्गेनिज्म आता है, पर वो दे आर नॉट फर्टाइल, म्यूल्स और हिनी होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आप किसी ने बताया ना कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास रिप्रोडक्शन होगा उसको हम लोग लिविंग बोलेंगे, आपके आप लोगों की बात को मैं गलत साबित करूंगा, अभी ऐसा नहीं होता है, ये मैंडेटरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन होगा तो ही वो लिविंग होगा। अभी अभी भी जस्ट अभी मैं चंद सेकंड में आपको गलत साबित कर रहा हूँ, किसी ने कहा था ना कि रिप्रोडक्शन होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसीलिए क्योंकि आपके पास कुछ हनी भी ऐसे होते हैं जो कि वर्कर हनी भी, जो जिनको सिर्फ काम करना होता है, वो फीमेल होते हैं, वो इनफर्टाइल होते हैं, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, सो इज दे आर नॉन लिविंग? नो सर। इसका मतलब हम लोग लिविंग लिविंग के क्राइटेरिया के लिए रिप्रोडक्शन को नहीं ले सकते हैं। ये बात अलग है कि रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। देखो डिफाइनिंग क्राइटेरिया देना अलग चीज है, लिविंग के अंदर वो फीचर्स पाए जाने अलग चीज है। क्या यह बात आपको समझ में आई? हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ ह्यूमंस भी हैं जहां पर चाहे मेल हो या फीमेल या दोनों, बोथ कपल्स आर अनेबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स और दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं सर। तो हम लोग उसको देखते हैं कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। तो इतना आपको समझ में आ गई? यस सर। Is these yes, types of things are clear to you? Yes, sir. अच्छा लग रहा है? Yes, sir. आप लोग बोलोगे ना और अच्छा लगेगा। मैंने इस क्लास में सिर्फ दो ही स्टूडेंट बोलते हैं बोल रहे हैं, युक्ता निष्का आप लोग और निष्का और झील सिमरनदीप, ये चार के चार कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ दो ही मैं किसी का माइक का इशू तो ठीक है, जिनका माइक का इशू नहीं है आप लोग प्लीज बोलोगे तो अच्छा रहेगा, आई विल फील बेटर और मुझे पढ़ाने में और उतना अच्छा लगेगा। आपके जो 12th वाले सीनियर्स हैं, भाई हैं, जो आपके सीनियर ब्रदर्स हैं, वो तो अच्छे से बोलते हैं, आप लोग भी बोला करो, वो लोग किसी भी टाइम डाउट पूछ लेते हैं। मैंने उन लोगों को बोल रखा है बेटा कभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो, किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो आप मुझे किसी भी टाइम पूछ सकते हो, तो वो लोग पूछते हैं क्लास में, वो लोगों से बुलवाता हूँ, भले आप लोगों से बड़े हैं ना वो लोग, लेकिन बोलते हैं, शर्माते नहीं है। पहले वो लोग आप लोगों की तरह था, लेकिन मैंने कहा कि तुम्हें क्लास में बोलना है क्योंकि बोलने का बेनिफिट मुझे पता है, बोलने से क्या फायदा होता है, ठीक है। सो कमिंग टू नेक्स्ट, हम लोग बात करें लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने के लिए, बात की टैक्सोनॉमी के डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसको आप लोग नीट के सिलेबस में पढ़ोगे कि कीमो टैक्सोनॉमी होती है, साइटो टैक्सोनॉमी होती है, मीन्स वहाँ पे हम लोग उनके कौन कौन से इन्फॉर्मेशन लेके उनको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं,
तो उनके हिसाब से अपने पास वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। केमो टैक्सोनॉमी क्या होती है, जहां पे हम लोग केमिकल कैरेक्टर्स को लेते हैं, केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ प्लांट को लेकर के उसको हम लोग उनकी टैक्सोनॉमी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल टैक्सोनॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल टैक्सोनॉमी। एक होता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होती है, जहां पर हम लोग साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेते हुए उनको हम लोग डिफाइन करेंगे। उससे पहले जो मैंने बताया आपको केमिकल टैक्सोनॉमी, आप लोगों ने पॉलीसेकेराइड का नाम सुना होगा, टैनिंस का नाम सुना होगा, एल्कोलाइड्स का नाम सुना होगा, कैरोटीनाइड्स का नाम सुना होगा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है और ये सब के सब केमिकल्स है, जहां पर हम जिस टैक्सोनॉमी में इस तरीके से केमिकल्स का हम लोग यूज करेंगे उस तरीके के टैक्सोनॉमी का हम लोग क्या बोलते हैं, कीमो टैक्सोनॉमी बोलते हैं। कौन सा टैक्सोनॉमी? मतलब टैक्सोनॉमी यूजिंग केमिकल कंस्टिट्यूएंट टू हैव द स्टडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, टू क्लासिफाई दैट ऑर्गेनिज्म, दैट वी नोन एज कीमो टैक्सोनॉमी। झील बेटा आप भी बोलो, सब बोलो, प्यार से बोलो, अरे जोर से बोलो, कुछ आप लोगों की आवाज भी नहीं आ रही है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक बात कहता हूँ, जैसे एनसाइट जो बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं कि सर एक बार में समझ में नहीं आती है, सर समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा है, या फिर याद कैसे करें, क्या हमें रटना है? तो क्या आप लोगों को बायोलॉजी रटना है क्या? नहीं सर। हाँ, रटना नहीं है। देखो ऐसा है ना, आपने कभी गाना भी सुना होगा कि एक बार देखो, दो बार देखो, बार बार देखो, मतलब गाना ऐसे है कि एक बार देखो, बार बार देखो, देखने की चीजें देखते रहो, ऐसा कोई गाना है क्या? ठीक है ना, तो आप एक बार कुछ मालूम चले कुछ लिखा हुआ है, अगली बार देखोगे ये मालूम चलेगा अच्छा हाँ कुछ ये भी लिखा हुआ है, फिर तीसरे बार देखोगे, तो मतलब बार बार देखते रहोगे ना, तो एनसीईआरटी आपके ब्रेन में वैसे ही छप जाएगा जैसे आपके फिंगर्स पे फिंगरप्रिंट छपे हुए हैं। ठीक है? Yes, हाँ, तो ये वाला गाना आप लोग अपने दिमाग में जोड़ डालो, आपको मिल जाएगा कि एक बार देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो, ऐसा कुछ देखने की चीजें देखते रहो ना, ऐसा कुछ गाना है। तो मैं आप लोगों को मैं याद करने के लिए ऐसा बोलता हूँ कि नोट्स पढ़ो, रिवाइज करो, एनसीईआरटी पढ़ो, एक बार देखो, दो बार देखो, सिर्फ देखना ही नहीं है, पढ़ लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है ना? और एनसीईआरटी की हर एक लाइन जितनी बार पढ़ोगे आपको हर बार एक अलग मीनिंग देगा वो। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लास में कितने बच्चे हो, क्लास में कौन नहीं है? सर सिमरनदीप लेफ्ट कर गई। कुछ इश्यू था क्या उसका? हाँ, हम क्या बोल रहे थे, हाँ आप लोग क्लास में कितने बच्चे हो, पांच बच्चे हो ना? आप पांच बच्चों को मैंने बोला कि बेटा देखो टैक्सोनॉमी को आप कैसे डिफाइन करोगे, आप लोगों ने पांच तरीके से डिफाइन किया, जो आपके पास एक्सपीरियंस है, जो आपने स्टडी किया है, जो आपको नॉलेज है, फिर उन हमें क्या करना है, उन पांचों चीज, पांचों के कंटेंट को, लेकिन वो कंटेंट सही होनी चाहिए। हमने एक एक टर्म पे डिफाइन कर दिया, तो क्या वो सबकी अलग अलग मतलब आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए एनसीईआरटी को कहा जाता है जितनी बार पढ़ोगे हर बार आपको एक अलग मतलब देगा, मतलब अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। ठीक है ना? Yes, पहली बार में होता आपका थिंकिंग लेवल उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए, नेक्स्ट पढ़ोगे और समझ में आएगा, उससे नेक्स्ट पढ़ोगे और समझ में आएगा। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। ये तो हो गया आप। अच्छा, फैटी एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, एमिनो एसिड्स है, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इन सब चीज को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो क्या कहलाएगा वो, कीमो टैक्सोनॉमी या कोई और टैक्सोनॉमी? मतलब जहां पर भी देखो, मतलब अब देखो आमिया, अब भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, जहां पर केमिकल आ गया मतलब कीमो टैक्सोनॉमी। एक होता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, हम लोग साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स या साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को लेते हुए उनको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। जैसे क्रोमोजोम नंबर, ये सेल की इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है?
है सर। तो क्रोमोजोम का नंबर है, क्रोमोजोम का बिहेवियर है, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है, ये सब किसी अगर हम लोग यूज करेंगे तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कीमो, नॉट कीमो, इट इज साइटोटैक्सोनोमी, इट इज द साइटोटैक्सोनोमी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। यस सर। इज इट अंडरस्टैंडेबल और नॉट? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। हां नो सर। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने के लिए। एज वी नो, अच्छा बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट, कि आपके पास जो ऑर्गेनिज्म होगी ना, कहीं आपको एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा? ऐसा अरेंज तो नहीं है पर कुछ लिखा हुआ पॉइंट्स है। ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म आपके पास तीन कंपोनेंट में लोग देखते हैं, एक तो फ्यूचर, एक प्रेजेंट और तीसरा पास्ट। यस और नो? यस। अगर हम लोग इनका रिलेशन किसी एक ही कंपोनेंट पे देखें, जैसे अगर हम लोग किसी प्रेजेंट में ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रेजेंट जो हम लोग अभी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, किसी अगर हम लोग आपस में ही इनको अगर कंपेयर कर रहे हैं, आपस में इनको हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके की हम लोग रिलेशन को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, या फिर हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी। मतलब ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगा, कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उनके उनके बिहाफ पर हम लोग इनको स्टडी करते हैं। क्लियर है क्या? yes. मतलब अगर हम लोग प्रेजेंट को प्रेजेंट से देखेंगे कि इसमें मान लो मैं पार्वती में देखूं, मैं आम्या में देखूं, मैं और कौन क्लास में जेल में देखूं, युक्ता निष्का में, इन पांच के पांचों में देखूं तो कुछ ना कुछ कॉमन सिमिलरिटीज मिलेगा, और इस तरह की सिमिलरिटीज हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं। सो ह्यूमंस जब हम लोग स्पीशीज को पढ़ते हैं तो ये प्रेजेंट में भी कुछ कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं और कुछ प्रेजेंट पास्ट में भी कैरेक्टर्स को शेयर करते हैं, तो इस तरीके की शेयरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। मींस हॉरिजॉन्टली वो कैरेक्टर्स को शेयर कर रहे हैं। अगर हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर को देखें, प्रेजेंट और पास्ट को देखें, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल सिमिलरिटी। मीन्स वर्टिकली दे आर शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स हम लोग जो है, वी आर द प्रेजेंट जनरेशन, हैव कम फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, मीन्स पास्ट जनरेशन, एंड फ्रॉम जो हम लोग अवेलेबल हैं फ्रॉम अस देयर विल बी फ्यूचर जनरेशन। तो इस तरीके की जो रिलेशन है, इस तरीके की सिमिलरिटी है, हम लोग जब स्टडी करते हैं और इस तरीके के कॉमन कैरेक्टर्स शेयर करते हैं तो कुछ वर्टिकली भी करते हैं और कुछ हॉरिजॉन्टल भी करते हैं। क्या इतने बार समझ में आई आपको? आई सर। हाँ सर। यस सर। आपको एनसीईआरटी में टर्म लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना? अगर अगर सेम कंपोनेंट पे देखें तो क्या होगा? ये हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकली देखें तो क्या होगा? वर्टिकल। सो ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमंस दे विल शेयर द कॉमन सिमिलरिटी वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सो वी कैन से शेयरिंग ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स वाज आल्सो प्रूव्ड व्हेन ह्यूमन स्टडीड द सिमिलरिटीज अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है? एज वी नो जो भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता गया है, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव बीन इवॉल्व बाय अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, सो दे हैव ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे से सिमिलरिटी है, कहीं उनका प्रीवियस जनरेशन कॉमन तो होगा। yes, बोलो ना, कुछ कॉमन कैरेक्टर, कुछ कॉमन ऑर्गेनिज्म, कुछ कॉमन एंसेस्टर वो लोग कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है? समझने के लिए इसको आप लोग फैमिली में अप्लाई कर सकते हो। मान लो आपका कोई आपके पेरेंट्स हैं, उनके कोई मान लो आप कोई दो आपस में स्टूडेंट ले लो,
ठीक है ना। अब अपने पेरेंट्स को आप देखो, फिर उनके पेरेंट्स को आप देखो, तो इस तरह देखते जाओ कहीं ना कहीं कुछ आपको सिमिलरिटीज मिलेगा, कहीं ना कहीं जगह तो मिलेगी। तो ये इस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं, तो ये कहाँ से इवोल्व होते होते कुछ ना कुछ नया। अब जैसे अगर मान लो कोई ह्यूमन ए है कोई बी है, इनसे कुछ चीज आएगी, इससे कुछ कैरेक्टर्स आएगा, दोनों मिलकर कोई सी देगा। अभी ये जो ए आया होगा ये किसी पहले से किसी दूसरे से आया होगा, उससे मिलकर ए आया होगा, यस और नो। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स शेयर करते रहते हैं, क्लियर है क्या? Yes. And sharing some common genetic material, but up to some varying, some variation. Maximum चीज similar होती है, approx 98% या 99 point something, there is similarity. लेकिन कुछ point something क्या होती है? उसकी वजह से ये सारा evolution है। ये पार्वती अलग है, आमिया अलग है, युक्ता अलग है, झील अलग है, निष्का अलग है, है ना? बस थोड़ा सा की वजह से। आप सोच अगर पूरा वेरिएशन होने लगे तो ऑर्गेनिज्म तो अलग हो जाएगा। अब पता है आमिया आमिया ही नहीं, कुछ और बन गई। अरे बोलो ना, पार्वती पार्वती नहीं रहा, कुछ और बन गई। सिर्फ और सिर्फ कुछ मतलब कुछ पॉइंट परसेंटेज में इनका डिसिमिलिटीज होती है। क्या इतना क्लियर है? कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं सर, क्लियर है। और ये सिमिलिटीज थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है अलग अलग स्पेसिस में, अलग अलग केसेस में। The sharing may be less or more among the different species. Is it clear to you or not? Yes, sir. तो अपना time तो साथ हो गया, अपनों का next class भी है क्या? Yes, sir. किस चीज की है? Chemistry की। सालिम सर पढ़ा देगा? Yes, sir. अच्छे से पढ़ो chemistry ना? Yes. हाँ, हर जगह number अच्छे लाने, boards में भी number अच्छे लाने हैं और नीट के एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाने, हर जगह जहाँ पे देखो आप लोगों को नाम आना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फिर लिविंग को डिफरेंशिएट करने की चीज। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा काम चला है, बहुत अच्छा। देखेंगे अगले क्लास में मुझे रिस्पॉन्स देते हो तो मेरे समझ में बहुत अच्छा था या काम चला होगा। तो जहां तक हम लोग पढ़े हैं तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये काम करने वाला नहीं है, पढ़ने पढ़ गया है ना आपको। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, आपको पेज नंबर एनसीईआरटी का 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ लेना है, जो आपका टॉपिक है ना I 1.2 उसको भी पढ़ना है, और कोशिश करना कि आप लोग वहां तक पढ़ लेना, 1.3 से पहले पहले पूरा पढ़ लेना, ठीक है? कर सकते हो क्या? Yes, बहुत ज्यादा हो गया। कर सकते हैं सर, कर सकते। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। Yes sir. So for next lecture, bye bye. Thank you sir. Thank bye, you. Sir. Bye. Bye sir. Thank you sir.